बेटा हो तो ऐसा हो, मिस जैसा हो। और बेटा हो तो ऐसा हो धर्मेंद्र जैसा, दोनों भाई एक जैसा। अब 6 लाख की गाड़ी में घूम रहा है मेरा बेटा। अभी कैसा लग रहा है कार में घूम के, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वो स्टेरिंग को घुमाया करो, दाब कर। मेरी मदर को जब मैंने पहली बार गाड़ी में फटाया था ना, तो वो देख रही थी ये क्या है, ये क्या है, अरे ये ऐसा कैसे होता है। मैं मेरी मदर को देख रहा था और खुशी हो रही थी। थैंक्स सिक्योर लाइफ, थैंक्स सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और थैंक्स ऐसे आदर्श जिन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। यस और नो? इनके लिए जोरदार तालियां बनती कि नहीं बनती? तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मिस्टर महेश जी के लिए, प्लीज महेश जी। थैंक यू। तेरी निदबत का सहारा लेकर क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों मैं रियल बता रहा हूँ, विश्वास नहीं हो रहा ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में हो रहा। आज भी मुझे सपनों जैसा ही लगता, मैंने ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा सोचा नहीं था। अगर मेरी मम्मी आज पास में, जब मैं बेग को जब याद करता हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रियल बता रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब मजाक चल रहा है, मजाक नहीं है ये सब कुछ। बहुत खराब स्थिति से उठ के आया हूँ मैं। मेरी मम्मी को जब जब देखता हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे। बिल्कुल स्थितियाँ खराब थी, जब ठेला लगाया करता था अंडे का, दो लोग आया करते थे, पुलिस वाले गाड़ी लेके आया करते थे, और जब मार के जाया करते थे मेरी मम्मी को जाके बताता था मैं, बोलता था मम्मी आज फिर पुलिस वाले आए, फिर परेशान करके चले गए। मेरी मम्मी बोलती थी ठीक है बेटा मत लगा ठेला, अपने तो कोई दूसरा काम कर ले, वो दूसरा कलर का काम कर रहा, तू भी उसी के साथ जा। मैंने बोला ठीक है मम्मी, मैं ठेला छोड़ूंगा, मैं परेशान हो गया। जैसे ही घर से, पूरे दिन सोचता था यार आज ठेला नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर मेरी मम्मी सामान तैयार करके रख देती थी और मैं बोलता था मम्मी तू तो बोल रही है कि ठेला नहीं लगाना, मेरी माँ एक ही बात बोलती थी खाएंगे क्या, फिर खाएंगे क्या अगर ठेला नहीं लगेगा। यहां से बात कर रहा हूं, यहां से बहुत सारे लोगों को इतना देखने के बाद भी मजाक लगता है। बहुत सारे लोगों के माँ बाप यहाँ बैठे हैं। अगर मेरी माँ एक 9,000 का यहाँ से पैकेज खरीदना था, सर बड़े बड़े सपने दिखा चुके थे, और मेरी मम्मी को जाके बोला, मैंने कहा मम्मी एक बार पैकेज खरीदने से मेरी जिंदगी इस काम में बन सकती है। पहले तो पापा ने मना कर दिया, बिल्कुल क्लियर कट में मना कर दिया। मेरी मम्मी यहाँ बैठे, दोनों रख में गिरवे रख के पड़ोस वाली आंटी जी से 2% ब्याज पे लाके मेरे को इस बिजनेस को ज्वाइन कराया, और इस बिजनेस को ज्वाइन किया और लोगों को बताना चालू किया। ये दुनिया ना, दुनिया किसी पे रहम नहीं करती है। एक गरीब आदमी जब आगे बढ़ता है ना, तब ये दुनिया उसको पीछे खींचती है। बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त मना किया, बोले ऐसा हो नहीं सकता, बोले ये सब फालतू काम है, और साले तुम्हारे तुम्हारी हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ कि तुम कभी अमीर बन सकते हो, तुम साले फटीचर की औलाद हो और तुम बुरे बुरे इंसान की औलाद हो, तेरा बाप जैसे ही मरेगा तू भी वैसा का वैसा ही मरेगा, तुम ना आज तक कुछ नहीं कर पाए। ये बातें जब लोग बोलते थे ना, यहाँ पर लगती थी लापरवाही। एक मौका था कि यार जीवन में कुछ करे, मैं दिल से चाहूंगा उस इंसान के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए जिसने एक गरीब बच्चे को जो कि ठेला लगाया करता था, उस बच्चे को उठा के
और हिम्मत दिलाई और विश्वास दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ। एक बार अभी तक भी जो तालियां ने बजाई है उससे कई हजार गुना तालियां उस इंसान के लिए बजाई है, और मैं से थैंक यू थैंक यू। अगर वो नहीं होता तो आज भी कोर्ट के बाहर ठेला लगा रहा होता मिस्टर सुखदेव सिंह रावत के लिए, जोड़ दे सुखदेव सिंह रावत के लिए। जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। उस आदमी ने मेरे को विश्वास दिलाया और एक ही कमिटमेंट लिया। मैंने बोला सर मैं इस काम को करूंगा। मेरा छोटा भाई आज 1.5 साल से मेरे साथ इस बिजनेस को कर रहा है। गालियां बोलता था मेरे को कि कौन सा काम ज्वाइन कर लिया है तूने, घर में मम्मी परेशान हो रही, पापा घर बैंकर झगड़ा हो रहा है, मेरी छोटी बहन यहाँ बैठी है। मैं जब 20-20 रुपए मांग के ले जाता था पीछे से चोर चोर बोलती थी मेरे को कि कौन सी कंपनी में फंसा जाड़ा, कुछ नहीं होता और घर के पैसे लगाए जा रहा है यहाँ से। और 8 महीना मेरे को जब इस बिजनेस हुआ था कंप्लीट, मैंने मेरे ठेले को बंद कर दिया और मेरी मम्मी यहाँ बैठी है। जिस दिन मैंने ठेला बंद किया था ना, 3 दिन तक मेरी मम्मी ने खाना नहीं खाया था, रोटी नहीं खाई थी, और 1 महीने तक मेरे से बात नहीं की थी। बोले जाड़ा जिससे घर का खर्चा चलता है तू इस कंपनी के चक्कर में उसको ही बंद कर दिया तूने। ये मेरे सुखदेव सर बेटे, इनको भी पीछे से गालियां बोला करते थे, लेकिन सर ने एक ही बात बोली, महेश जी आज तक जिस भी इंसान ने इतिहास लिखा है, एक बात जो उन्होंने मेरे को बोली थी वो बात मेरी यहां पर सीधी लगी थी। उन्होंने एक ही बात बोली थी, महेश जी जिस चीज पे चक अच्छा है इतिहास उसी ने लिखा है। थैंक यू। और मैं तो पागल था, मैं तो भूखा था, मेरे को तो कुछ चाहिए थी, साले लोग मना करते थे, लगातार इस काम को किया, किसी के कहने से रुका नहीं। बाप गालियां बोलता था, मेरी माँ भी गालियां बोलती थी, मेरा भाई भी गालियां बोलता था, हर आदमी को सुनता था, खाना जैसे ही खाता था मेरी माँ पीछे से बोलती थी तोड़ ले आराम के टुकड़े, साला घर में 1 रुपया नहीं देता है। मैंने बोला एक वक्त आएगा मेरा जरूर, छोड़ूंगा नहीं इस बिजनेस को। लगातार करता गया, लगातार करता गया, लगातार रुका नहीं। आज वही लड़का जो लोग बोलते ऐसा होता नहीं है, जो लोग जो माँ बाप यहाँ बैठे जो बच्चों को रोकते, आज उन लोगों के मुंह पे करारा जवाब है। जो ठेला लगाने वाला लड़का आज इस बिजनेस की ताकत की वजह से मेरे खानदान में 3 पीढ़ी में जिस आदमी ने जो नहीं किया वो मात्र मैंने 2.5 साल में यहाँ से करके बता दिया। अचीवमेंट की अगर बात करो, थैंक यू। लोगों को पेशेंस नहीं है, लोग जुड़ते ही पैसा आना चाहिए। अगर बात करूँ ना, पिछले 7 दिन की इनकम है मेरी 19,000 रुपए, 7 दिन की इनकम है 19,000 रुपए। और ब्यावर में लोग बोलते थे भैया ब्यावर के लोग नहीं करने वाले, ना तो इधर मात्रा ना इधर मात्रा, ब्यावर के लोग भैया बहुत खराब होते हैं। मैंने बोला साला मैं भी अपनी पे आया हुआ हूँ, काम तो करके बताऊंगा। और आज इसी ब्यावर में डंके की चोट पे काम होता है। यस और नो? थैंक यू। और वो जो भाई मेरा विरोध करता था, जो बोलता था ऐसा होता नहीं है, उसको फिर मैंने चेक बताना चालू किया। मैंने देख आता है तो बोले यार भाई पैसा तो आता, मैं भी जुड़ूंगा। फिर इसने करना चालू किया। आज इस बिजनेस की ताकत की वजह से मेरा छोटा भाई 1.5 लाख की गाड़ी चलाता है और उसका बड़ा भाई 4 व्हीलर चलाता है। ये ताकत है, 1.5 लाख चलाता मेरा छोटा भाई। आज तक लैपटॉप साला डर लगता था, छोटे भाई को लैपटॉप दिलाया, खरीदा इसने, काम करना चालू किया। आज अगर मेरे भाई की पिछले 7 दिन की इनकम बताऊं, 7 दिन की इनकम है 8,000 रुपए और उसके बड़े भाई की 7 दिन की इनकम है 19,000 रुपए। सर बोले महेश जी कार लेनी है। मैंने बोला सर कार में तो पंगा हो जाएगा, मेरे को तो चलाना ही नहीं आता है।
प्यार में कभी बेटे।